वन टू वन करने लग गए। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ ईडी बिना प्रीडिकेट ऑफेंस के जांच नहीं करती, लेकिन अभी जो जांच ये लोग कर रहे हैं बिना प्रीडिकेट ऑफेंस के है, ये ईडी के इतिहास में पहली बार है। जो ये कर नहीं सकते लेकिन ये कर रहे हैं, मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और जो ईडी के जो काम कर मतलब उसके जो नियम प्रक्रिया है उसका भी वो पालन नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा ये आरोप है। और ये जो कार्रवाई कर बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के, जैसे ऑफेंस मान लो किसी थाने में 302 हो गया तो उसमें ईडी जांच नहीं करेगी, लेकिन 420 के कोई FIR है उसमें जांच करेगी। लेकिन अभी जो शराब 2000 करोड़ का घोटाला हो गया उसमें प्रेडिकेट ऑफेंस कौन सा है भाई, आप बताओ तो बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के कैसे जांच कर रहे हैं? लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, रात रात भर जगा रहे हो, परिवार के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ये आप एक निहित उद्देश्य को लेकर कि सरकार को कैसे बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो शक नहीं कर सकती, सब जान रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता जान रही है कि जो नवंबर में चुनाव होगी कांग्रेस फिर सरकार में आएगी, तो सरकार को किस प्रकार से बदनाम करना है तो उसमें ये लगे हुए हैं। ठीक है सर, इतना बड़ा लीगल ऑफेंस है।